नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारी, आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज। आज शाम नालासोपारा पश्चिम स्थित फन फिएस्टा के सामने 7 से 8 लोग एक लड़की को बुरी तरीके से मार देते हैं। इस बात की जानकारी जब वो लड़का एक पत्रकार को देता है और पत्रकार इस बात की जानकारी या इस बात की शिकायत करने जब नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में आता है, तो नालासोपारा पश्चिम में कार्यरत होमगार्ड यादव नामक ये होमगार्ड उस पत्रकार को धक्का मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है। उसी के साथ वो पत्रकार से कहता है कि तेरे जैसे बहुत से पत्रकार मैंने देखे हैं और तुझे भी मैं देख लूंगा। अब आप खुद सोचिए कि एक पत्रकार से ये होमगार्ड इस तरीके से बात कर रहा है, तो आम जनता जब यहाँ पर शिकायत लेकर आती होगी तो इस प्रकार के होमगार्ड उस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करते होंगे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। यह है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाला नालासोपारा पुलिस स्टेशन, जहां यदि रात के समय में आप किसी चीज की शिकायत करने आए तो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। जी हां, बीती रात हमारे चैनल को एक जानकारी मिली कि नालासोपारा पश्चिम के फन फिएस्टा के सामने 8 से 10 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को खूब पीटा है, जिसकी शिकायत करने हम नालासोपारा पुलिस स्टेशन में आए। तब ड्यूटी पर कार्यरत यादव नामक होमगार्ड ने पत्रकार को धक्के तो मारे ही, साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जा। इस पूरे मामले पर एक बात तो साफ समझ में आती है कि उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई न्याय प्रणाली तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस कर्मचारियों की वजह से आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से पुलिस विभाग का नाम खराब होते जा रहा है, जिसे कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर उस होमगार्ड पर मामला दर्ज कर लिया है। माझा नाव मयूर खोपकर, मी नालासोपारा मध्ये कामाला आहे फन फिएस्टा मध्ये। ओके, तिकडे एक मुलगा डी आपला वॅन वाला आला। ओके, तो आपल्याकडे काम करायचा, त्याची गाडी आपण बंद केलेली, कारण की तो गांजा फुकून गाडी चालवायचा, म्हणून त्याची गाडी आपण बंद केली। मग तो विचारायला लागला आपल्याला, मला जाब विचारायला लागला की तू माझी गाडी का बंद केली। ओके, मी त्याला समजवत होतो तुझी गाडी का बंद केली, तू गांजा फुकून गाडी चालवणार तर माझा डी ए असतो त्यासोबत वॅनवरती, त्याला प्रॉब्लेम नको व्हायला, कारण की आपलं त्यात सामान पण असतं, कुठे ठोकलं विकलं तर आपल्याला प्रॉब्लेम होणार। मग त्यानंतर तो आला आणि म्हणतो तुमने मेरी गाडी क्यू बंद की, आणि पाटणा पोरं आले भरपूर सारे, 10-12 तरी पोरं असतील, त्यातल्या एका दोघांचे नाव मला माहिती पडले आता, बाकीच्यांनी ते मारून गेले। मारल्यानंतर आम्ही केस करायला आलो, तर आमची केस पण नाही घेतली, आणि नंतर आता त्यांनी केस केल्यानंतर आम्ही क्रॉस हे केले, NC केलेली आहे।